بسم الله الرحمن الرحيم. एक सवाल है, बाद में कहते हैं दौर में गिफ्ट दी गई, कैसे नहीं? एक बात ध्यान में रखें, नबी अलैहि सलातु वसलाम के दौर में जो जिनसे दी गई है ना, वो पांच है। उलमा जिनस वाली बात रख लेते हैं लेकिन जिनसे बताते नहीं हैं, जिनसे हैं पांच। सबसे पहले जौ, नंबर दो खजूर, नंबर तीन पनीर, नंबर चार जो है वो मुनक्का, नंबर पांच किशमिश। गंदम से तो रसूलुल्लाह ने दिया ही नहीं, गंदम से फिर क्यों देते हैं? सवाल है, मतलब की चीज़ ले ली और जो मतलब की है वो छोड़ दी, ना मतलब की है छोड़ दी। जिस तरह जिनस को बदलना जायज़ है, ये मस्कीन को फ़ायदा पहुँचाना। अब आप मस्कीन को फ़ायदा पहुँचाएं, उसको दें गंदम, मंडी बंद है, वो किधर बेचेगा? फिर बेचने जाएगा तो उसकी कीमत उसको ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? कम मिलेगी। तो फी ज़माना जिनस देने में मिस्कीन का नुकसान है। जो उलमा जिनस की पाबंदी करते हैं उनसे कहें फिर वो जिनस अशिया की भी पाबंदी करें। चावल से क्यों फतवा देते हैं? नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये जिनसे बतौर नकदी के इस्तेमाल होती थी, जैसे आज भी देहातों में गंदम देकर साबुन ले लिया, गंदम देकर दाल चना ले ली। अजनास बतौर नकदी के अहद नबवी में भी इस्तेमाल होती थी और अब भी फी ज़माना इस्तेमाल होती है। जी चल रही थी बड़ा अच्छा। मैं इस पर अर्ज़ करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पांच जिनसों से दिया गया है। वो पांच जिनसे जौ, खजूर, पनीर, मुनक्का और किशमिश। अब जिन उलमा ने इसको गंदम में बदला है, उन्होंने भी तो दलील देनी है। यानी उन्होंने पांच नबवी जिनसों को छोड़कर गंदम को इख्तियार कर लिया, चावल को इख्तियार कर लिया। तो हम कहते हैं कि जिस दलील की बुनियाद पर आपने गंदम चावल को इख्तियार किया है, उसी बुनियाद पर वो दलील क्या है कि फ़ी ज़माना पनीर हमारी खुराक नहीं है, फ़ी ज़माना खजूर हमारी खुराक नहीं है, जो हमारी खुराक नहीं है, तो मुसलमानों वास्ते जो अनफा है वो गंदम है, फ़ायदेमंद गंदम है और चावल है जो बतौर खुराक के इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं इसी उसूल पर फिर गंदम से नफ़ामंद जो चीज़ है वो नकदी है। ईद पर मंडियाँ बंद हो जाती है और फिर जब बेचने जाएगा तो उसका नुकसान होगा। ये इस्तेदलाल ही है, इस्तेदलाल है। जी कुछ लोग दूसरे शहर जाके मुलाकात करते हैं, कुछ बच्चे उधर जा रहे हैं। सही है। साल बाद इसका दवा से अपने भाई गांव चले। जी कुछ कराना इसे दे या अपने भाई गांव दे सकते हैं, वसत है। एक बंदा साल भर इस्लामाबाद रहे है, ईद के उत्ते पिंड आ गया, फितराना इस्लामाबाद देवेगा कि पिंड जिथे वो मर्जी देवे। हाँ जी जी गुमशुदा जो रकम है वो ज़कात से नफी हो जाएगी, अल्लाह अगर लौटा दे तो फिर दे दे। जी आप सवाल कर रहे थे। अच्छा सर, तीन साल हो गए मैंने किसी आदमी के साथ ना काम किया। आदमी का दोस्त है मेरा बड़ा, मैंने उससे पैसे भी लेने। कसूरी साहब कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बड़ा गम है आपके बेटे के फौत होने का भाई, भाई अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, मगफिरत करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। जामिया रियाजुल जन्ना देखा है मैंने, जी जी नहीं, नमाज में ममानत नहीं है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है, मस्जिद अलग है, वो कब्र अलग है। आगे मस्जिद है पीछे, अब पीछे कब्र है, ठीक है, जायज़ है। हाँ ये उस्ताद जी से भी पूछा गया था कि हाजी नासर की कब्र उन्होंने मदरसे में बना दी है,
तो उन्होंने फरमाया था भाई मस्जिद अलग है, कब्र अलग है। छुपा के दे असल में छुपा के देने से मुराद आप अपने रिश्तेदारों को छुपा कर दें, हमसायों को छुपा कर दें। एलानिया सदका इसका मकसद तरगीब है, फर्ज सदका। जी जी फर्ज सदका। इसी तरह तरगीब देना सिर्फ अल्लज़ीना युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया सिर्रन व अलानिया। एलानी तौर पर भी एलानी सदका का फ़ायदा लोगों में रगबत पैदा होती है, हाँ, और पोशीदा इसका अजर ज़्यादा है। ये भी पोशीदा भी आकर पर्ची कटाना या कहना कि ये मस्जिद का है, इस सदका मस्जिद पर तो नहीं लगता। नहीं, सदका ज़कात मस्जिद पर नहीं है, मदरसे पर है। उनको बताना ये तो रुकावट नहीं है। नहीं, ये नहीं रुकावट, बिल्कुल नहीं रुकावट है।